नीमच जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब जिले वासियों के लिए अच्छी खबरें भी सामने आने लगी है। जी हां, अगर हम कोरोना सैंपल लेने की बात करें तो अभी तक 89,508 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से अभी तक 89,016 रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और हम आपको बता दें कि कोरोना से स्वस्थ होकर जंग जीतने वाले 3,961 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपने घरों की ओर चले गए। बढ़ते कोरोना के बीच अब लगातार कोरोना से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। लगातार शासन का यही प्रयास रहा है कि लॉकडाउन के चलते शासन के नियमों का पालन करें, जरूरत हो तो घर से निकले और जब भी घर से निकले 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी और सैनिटाइज का उपयोग करें, जिसके चलते आप इस कोरोना महामारी से बच पाएंगे। जिसको लेकर क्या कहा जिला चिकित्सालय के CMHO महेश मालवी ने व आम जनता ने, आइए सुनते हैं। जिले सहित पूरे देश में वर्तमान समय में कोरोना महामारी का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, परंतु इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें रिकवरी रेट जो है वो 95 से लेकर 98% तक है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है। और वर्तमान समय में जो लोगों के अंदर भय और भ्रांति का एक माहौल बन गया है कि कोरोना बहुत बड़ा हुआ है, तो इससे डर से जो माहौल बन रहा है, डर के कारण लोग जो है अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं और डर के कारण जो अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, जबकि अधिकतर लोग जो 85% लोग हैं कोरोना के घर में ही होम क्वारंटाइन होकर सही हो जा रहे हैं और छोटे मोटे लक्षण उनमें दिख रहे हैं और वो सही हो जा रहे हैं। तो ऐसे में जो डर और भय का माहौल है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नीमच जिले में भी लगभग 3,900 कोरोना के मरीज़ जो हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। कुल मामले 4800 के लगभग थे, उसमें से 3900 के लगभग यदि व्यक्ति सही हो रहे हैं तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और जो अभी पॉजिटिव हैं वो भी जल्द ही स्वस्थ होंगे। जिस प्रकार से आंकड़े, मृत्यु के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो ये दुखद है, परंतु जो है एक घबराहट भी जो है, जो घबराहट उत्पन्न हो रही है कोरोना के नाम से लोगों की, वो भी एक बहुत बड़ा मृत्यु दर बढ़ने का कारण है। तो सबसे बड़ा जो इसमें कारगर हथियार है हमारे इसमें कोरोना का, वो कारगर हथियार है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकार ने जो मुहिम चलाई थी, तो पहले आमजन जो है वैक्सीनेशन से थोड़ा घबरा रहे थे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, परंतु सबसे कारगर हथियार ही इसका वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन सरकार ने जो है, शासन ने, केंद्र शासन ने 1 मई से जो है 18 वर्ष तक की उम्र वालों को जो है, ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीनेशन का लगाने की छूट दी है। तो ऐसे में अधिक से अधिक लोग जो है वैक्सीनेशन लगाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम जल्द ही कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं देख रहा था सरकारी आंकड़े और जो कई अखबारों की कटिंग और कई जगह मैंने समाचारों में भी ये देखा कि 99% लोगों से अधिक जो है वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो है उनको कोरोना हो भी रहा है, तो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स के साथ सही हो जा रहा है। तो जो है निवेदन है सबसे नीमच की जनता से, हमारे प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, कि जल्द से जल्द जो है वैक्सीनेशन लगवाएं और वैक्सीनेशन के लिए भी एकदम से होड़ ना लगाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, नंबर लगाएं और वैक्सीनेशन लगाएं और हम जल्द ही कोरोना महामारी से निजात पा लेंगे। फिलहाल कल की जो रिपोर्ट है वो हमारे होम आइसोलेशन और सीसीएस सेंटर और हमारे यहाँ कर अपने जिला चिकित्सालय में जो कोविड सेंटर हमारा, वहाँ से 61 लोगों को हमने डिस्चार्ज किया और 65 लोग अभी तक, हम अगर शुरू से देखें तो लगभग 3,961 लोग ये जंग जीत चुके हैं, जबकि प्रभावित हुए हैं 4,821, कुछ रेफर्ड हुए हैं, कुछ की डेथ हो गई है। और हम सतत हम अपनी निगरानी कर रहे हैं कि लोगों को अच्छे से अच्छे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए और निश्चित रूप से हम ये जंग जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये थोड़ा समय जो अभी क्रिटिकल चल रहा है, थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन आगे बिल्कुल हम अपनी व्यवस्थाएं और ज़्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम हमारी डेथ हो और कम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। हाँ सर, देखा जाए तो अभी तक शुरू से लेकर अभी तक से कितने लोगों ने कोरोना जंग जीत ली है? कोरोना की टेस्टिंग हुई है अभी तक में लगभग 89,500 से अधिक लोगों ने अपना कोरोना टेस्टिंग किया है, जिसमें से 89,016 के हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। और कल के अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 321 सैंपल में 115 हमारे पॉजिटिव निकले हैं। इस तरह 4,821 केसेस हमारे अभी तक पॉजिटिव आए हैं। और वर्तमान में हमारे पास जो पिछले दिन का आंकड़ा देखें, पिछले दिनों का, तो पिछले दिनों की अपेक्षा कल हमारे यहाँ थोड़ा सा कम
केसेस पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे कितने लोग जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली अभी तक? हाँ जी, टोटल ऐसे कितने लोगों जिन्होंने शुरू से लेकर जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है? मैंने पहले ही बताया कि 3961 लोगों ने कोरोना की जंग जीती है। और किस तरह से लगातार आगे भी देखा जाएगा, लगातार जो बिल्कुल हमारी सतत मॉनिटरिंग और हमारा निगाहें हैं, और हम जहाँ तक संभव हो सके हम उन लोगों को डिटेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई और आइसोलेट करके उनको हम टेस्टिंग करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।